हेलो, नमस्कार। आज हम देखेंगे और बनाएंगे फिश फ्राई। स्ट्रीट फूड स्टाइल में हम है ना फिश फ्राई बनाएंगे। तो ये है ना सार्डिन है और इसको बांगड़ा बोलते हैं, और ये छोटी वाली फिश है। ये देखिए, मैंने धो लिया है अच्छे से, और इसमें कट लगा लें जैसे मैं लगा रही हूँ। ये देखिए है ना, फिश है ना खाने के लिए बहुत हेल्दी होती है ये। ऑल एज ग्रुप, बच्चों से लेकर बूढ़े तक। ये देखिए तो है ना, ऐसे कट लगा लें। ये देखिए, कट लगाने से क्या रहता है ना, तो वो जो क्यूब खाते हैं ना, तो बस इजीली हाथ में आ जाते हैं। हमको ज्यादा है ना वो नहीं करना पड़ता, और खाने में भी है ना देखने में भी बहुत अच्छी लगती है लोग, और सीख भी जाती है। तो ये देखिए, मैंने है ना ये ले लिए हैं, बांगड़ा फिश है ये, और ये सी फिश है, समुंदर से आती है ना ये वाली फिश है। और काली मिर्ची, लाल मिर्ची, हल्दी और नमक, ये चीजें हमें चाहिए, और नींबू या वेनेगर है तो वो है ना। तो बस यही चीजें हमें चाहिए, और हम देखेंगे आगे। अभी है ना मैंने विनेगर डाला है फिश में, ये विनेगर, नींबू आपके पास जो अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं। ये देखिए, मैं विनेगर डाल रही हूँ 4 स्पून, है ना, फिश की क्वांटिटी के अनुसार डालना है, बस खट्टापन आ जाए। अब हम हल्दी डालेंगे। ये देखिए, हल्दी, नमक और विनेगर, इसमें है ना सोटे करेंगे, और है ना हम मिलाएंगे। अब हम मिर्ची पाउडर डालेंगे, रेड चिली पाउडर, ये तीखा वाला है। ये देखिए, ये तीखा वाला है, थोड़ा ज्यादा लगता है। और ब्लैक पेपर, ये ब्लैक पेपर है ना, हाफ स्पून डल जाएगी अच्छे से, इसमें कंजूसी ना करें। रेड चिली पाउडर और काली मिर्ची, है ना, इससे पहले भी मैंने वीडियो में दिखाया है फिश करी, फिश फ्राई, उसमें आप देख लीजिए, किसी ने मैंने है ना जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, किसी ने मैंने कड़ी पत्ता डाला है। आज मैं जिंजर गार्लिक कड़ी पत्ता नहीं डालेंगे, आज हम स्ट्रीट फूड स्टाइल में बना रहे हैं और हेल्दी वर्जन है। और इसको लगा के रख दीजिए, है ना, नमक थोड़ा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ, बहुत डाल रही हूँ मैंने। ये देखिए, तो ये मसाला लग गया है हमारी फिश में। ये देखिए, अंदर जो मसाला बचता है ना वो है ना इसमें लगा लीजिए अच्छे से। ये जितनी फिश आपको चाहिए उतनी आप रख सकते हैं, और बाकी है ना डब्बे में पैक करके फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में, जब आपका मन हो, जब बच्चे बोले तब आप फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए, तो मैंने मस्टर्ड ऑयल में फ्राई कर रही हूँ, और आयन की कढ़ाई होनी चाहिए तो ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, लोहे की कढ़ाई है ये देखिए। और इसको है ना एक बार तेज करेंगे गैस, और स्लो कर देंगे, एक बार तेज करेंगे और स्लो कर देंगे, तो ये नीचे से कड़क हो जाएगी, बार बार हिलाना नहीं है इसको। और डीप फ्राई भी नहीं कर रहे हैं हम, सेलो फ्राई कर रहे हैं, ताकि हमें हेल्दी वर्जन हो, है ना। फिश में ओमेगा फैटी एसिड होता है, जो कि है ना हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट होता है। और फिश ऑयल के जो आजकल जो कैप्सूल खा रहे हैं ना, उससे तो अच्छा है कि हम डायरेक्ट फिश खाएं, जो लोग है ना नॉनवेज खाते हैं, ये उनके लिए है ना। तो फिश ऑयल सप्लीमेंट तो आजकल सभी ले रहे हैं, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं डॉक्टर उनको भी प्रोवाइड कर रहा है ना। ये देखिए, तो ये फ्राई हो गई है, और दूसरा बैच भी मैंने डाल दिया है। ये देखिए, इसको आप ऐसे ही खा सकते हैं, कच्चा प्याज है, हरा धनिया है और टमाटर से, तो है ना स्ट्रीट फूड स्टाइल में हो जाएगा।